हाय फ्रेंड्स, आज मैं समान हिंदी जो है इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी भाई बहन जो है इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, समस्त सेमेस्टर में जो कि समान हिंदी से जो है आपके हर बार एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होता है, यानी कि आपके जो है 50 मार्क्स हम समान हिंदी से क्लियर करवाएंगे दोस्तों। बिल्कुल डेली के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यही 10 क्वेश्चन में से आपको डेली जो है 2 मार्क्स क्लियर करवाएंगे। आपको बिल्कुल भी जो है अपने लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन बनाकर जो है अपनी जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करना है। आप हंसते खेलते हुए करिए, आपका एंट्रेंस अच्छे से निकल जाएगा दोस्तों। आप टॉप भी कर सकते हैं। मैं लेकिन आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर क्लास को अटेंड करने के साथ साथ जितना कार्य दिया जाए उतना पूर्ण करके रखिए, ताकि जो है आने वाले नेक्स्ट डे में जो है कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। चलिए, आपका जो है समान हिंदी का पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसी टाइप का जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ है। तो जैसा कि लाइव स्ट्रीम में मैं क्लास में जो अभी लाइव आया था, तो जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, ने आपको जो है अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते, तो ये आपको जो है यहां तक 4 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए फिर से बता देता हूं। तो आकाश पाताल को एक कर देने का अर्थ होता है, अर्थात दोस्तों देखो, आकाश और पाताल को एक करने का मतलब है बहुत कठिन परिश्रम करना, अर्थात ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए, तो स्क्रीनशॉट मार के जो है याद करते चलिए। आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड, इसी से बेसिस सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे समान हिंदी में, आप नोट करके रख लो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट में। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? रूसी। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुव्रीहि समास है, तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज आपका बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता, ना राजपूत हो सकता है, ना प्रतिदिन हो सकता है, तो आपका चक्र प्रणाली सही हो जाएगा दोस्तों। बहुव्रीहि समास आपका चक्र प्रणाली है दोस्तों। बहुव्रीहि समास से कभी कभी जो है इंट्रेंस एग्जाम में अधिकतर LLB, MCOM, BA, BSc, BCOM किसी ना किसी सेमेस्टर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो आप बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है या जो जो बहुव्रीहि समास होते हैं उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आप 11 और 12 की बुक उठा के स्टडी करिए इन्हीं 12 चैप्टरों से। देखिए 12 चैप्टर जो आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार के रखिए। इसी 12 चैप्टरों से जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में 25 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसका जो है टोटल मार्क्स जो है 50 का होगा, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे दोस्तों, तो आपके 50 मार्क्स हम खूब आराम से क्लियर करवाएंगे। लेकिन जो है आपको 10 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे का आपने जो है 3 क्वेश्चन देखा, आपको डेली का जो है ओनली 10 क्वेश्चन बताया जाएगा। उसी 10 क्वेश्चन को मैं बताऊंगा इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, जिससे आपके जो है डेली के 2-4-5 मार्क्स जो है हिंदी में क्लियर होते जाए और इंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे खासे मार्क्स पाएं। आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं, आप इंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, हमारी आपसे ये उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संयुक्त व्यंजन है, देखो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त तो सा तो हो नहीं सकता, ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन है। ये जो है 2017 में जो है एग्जाम में आपके एंट्रेंस एग्जाम में बीए के आया था क्वेश्चन दोस्तों, और एमकॉम में जो है ये जो है 2020 में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो किसी नियम का पालन ना करे वह कहलाता है, वो चिंगल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यों? जो किसी नियम का पालन ना करे वह उच्छृंखल कहलाता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ टेली जो है आपको 10 वीडियो प्रोवाइड करूंगा समान हिंदी का दोस्तों। फाइनली आपको 10 वीडियो से ही 100 क्वेश्चन मिलेंगे डेली डेली, 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से आपके जो है सारे एग्जाम बेसिस क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपको कहीं बाहर से पढ़ने की दोस्तों जरूरत नहीं है, 11, 12 की बुक उठा के ले लीजिए, और उसमें जो भी 12 चैप्टर मैंने अभी दिखाया आपको, इसी 12 चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। डेली मैं जो आपको 10 क्वेश्चन स्टडी कराऊंगा, आज फर्स्ट डे है 10 क्वेश्चन का, जो है 10 दिन लगातार चलेगा समान हिंदी का जो है,
क्लासेस, और फिर उसके बाद जो है समान हिंदी में आपके पास किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होंगे आपके मन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से नदी का पर्यायवाची शब्द है, यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न का जो आपका दोस्तों जो है जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं इसको स्क्रीनशॉट लेकर या जो है आप इसको नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शोकग्रस्त में कौन सा समास है, शोकग्रस्त में कौन सा समास है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि तत्पुरुष जो है शोकग्रस्त के लिए यूज होता है, इसलिए आपका शोकग्रस्त में तत्पुरुष समास होगा, शोकग्रस्त में तत्पुरुष समास होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रामेश्वरम में कौन सी संधि है, रामेश्वरम में कौन सी संधि है दोस्तों? तो आपका जो है वृद्धि स्वर संधि जो है रामेश्वरम में जो है आपका जो है वृद्धि स्वर संधि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुमने उस भिखारी को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तुमने उस भिखारी को कुछ दिया या नहीं, वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों, क्यों कोई चीज निश्चित नहीं है, इसलिए देखो इसमें बोल रहा है तुमने उस भिखारी को कुछ दिया या नहीं, देखो इसमें स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा है कि उसने दिया भी है या नहीं दिया है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसमें निश्चय नहीं है कि वो दिया है कि नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 9 में। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 10 देखते हैं। स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा, स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा? स्कंद, देखिए दोस्तों यहां स्कंद में ही आंसर छुपा है, स्कंद देखिए कंध कहीं निकल रहा है, भुजा में नहीं, बाह में नहीं, हाथ में नहीं, ये देखिए कंधा, स्कंद, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक 10 नंबर क्वेश्चन जो है उस बार 2018 में एग्जाम में बीए के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, और एमकॉम 2019 में आया था, और बीकॉम में जो है ये पूछा गया था 2019 में दोस्तों, ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन आपको स्टडी करवाएंगे 100 क्वेश्चन जितने भी स्टडी करवाऊंगा यही क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके रखिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेट मिले दोस्तों। आपके जीवन में इतना बदलाव ला दूंगा दोस्तों कि एंट्रेंस एग्जाम में आप टॉप करोगे। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की बात ही छोड़ दो, आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर जाएंगे दोस्तों, मेरी 100% उम्मीद है। धन्यवाद और लव यू गाइस। तब तक के लिए आप थोड़ा सा स्टडी करते रहिए, 11th 12th की बुक उठा लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए, 11th 12th की बुक उठाना, इसको 10 क्वेश्चन तैयार होने के बाद इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी स्टडी करवाया, 1 नंबर से क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपके उससे आधारित सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, ताकि कल जो वीडियो अपलोड करूं आपके मन में उसमें डाउट्स ना पैदा हो। धन्यवाद दोस्तों।